देश विदेश में कभी नाम कमाने वाली यस बैंक अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, जिसे अब भारतीय स्टेट बैंक सहारा देगा। SBI के चेयरमैन रजनीश कुमार के मुताबिक स्टेट बैंक फिलहाल इसमें 2,450 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, साथ ही 49% शेयर भी खरीद सकता है। इसी बीच यस बैंक ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए किसी भी बैंक के ATM से रुपए निकालने को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि नकदी के संकट से जूझ रही यस बैंक ने पहले ग्राहकों से ये सुविधा खाताधारकों से वापस ले ली थी। बैंक की ओर से जारी किए गए एक बयान में कहा गया कि अब ग्राहक किसी भी ATM से पैसा निकाल सकते हैं। गौरतलब है कि RBI ने बैंक के खाताधारकों को एक महीने में केवल 50,000 रुपए निकालने की इजाजत है। पूर्व SBI CFO प्रशांत कुमार को यस बैंक का प्रशासक नियुक्त किया गया है। यस बैंक की देश भर में 1,000 से अधिक शाखाएं और 1,800 से अधिक ATM हैं। इससे पहले यस बैंक को संकट में डालने वाले फाउंडर रहे राणा कपूर को प्रवर्तन निदेशालय ने 31 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार दोपहर 12 बजे से ED राणा कपूर से पूछताछ कर रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले शुक्रवार देर शाम राणा कपूर के वर्ली स्थित घर समुद्र महल पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा था। राणा कपूर की जो गिरफ्तारी हुई है वो DHFL और UP पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में जो अनियमितता पाई गई थी उसी मामले को लेकर हुई है। इस मामले को लेकर उनकी बेटी से भी बयान दर्ज किया गया था। हालांकि अब रविवार सुबह 4 बजे उनकी गिरफ्तारी हो गई है। ED के अधिकारी अब राणा को कोर्ट में पेश करेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.